तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये होंडाई की i20 है। ये स्पोर्ट्स 2012 का मॉडल है, डीजल कार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसका मैं आज एयर कंडीशन सिस्टम का ये सक्शन पाइप यानी सक्शन होज पाइप चेंज करने वाला हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्योंकि इसका ये लीक हो गया, तो ये खोलने के बाद ही मैं आपको लीक दिखा सकता हूँ कि लीक कहाँ से हुआ है। पाइप खोलूंगा फिर बाद में दिखाऊंगा। तो ये आपको 2000 से 2200 के बीच आ जाएगा ये पाइप, जैसा कि देख पा रहे हैं आप कैसा दिख रहा है, पूरा अखंडी पाइप है। तो चलो फिर मैं बाहर जाता हूँ, खोलता हूँ, खोल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलो बाहर चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये रही सक्शन पाइप, ये वाला पाइप है इसका। तो ये पूरा अखंडी आता है, यहाँ एक्सपेंशन वाल से लेकर के यहाँ तक कॉम्प्रेसर तक पूरा अखंडी पाइप आता है। तो इसमें 12 नंबर नीचे कॉम्प्रेसर में दिया हो रहा था, तो वो मैं खोलता हूँ, खोल के पाइप को बाहर निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मैं पाइप निकाल चुका हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूनी वाली पाइप लिक्विड पाइप के साथ आ चुका है, मेरा एक्सटेंशन वाल भी इसके साथ ही आया। तो चलो फिर नया वाला मैं पाइप इसमें फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ लीक देख लीजिए आप, लीक कहाँ से हुआ है। देखिए यहाँ बेल्ट लीक जाने की वजह से लीक हो चुका है, यहाँ से लीक गैस मार के पूरा निकल चुका था। तो चलो फिर आगे मैं आपको इसमें फिटिंग करके आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं नया वाला पाइप मैं लिक्विड पाइप के साथ जोड़ दिया हूँ, देख पा रहे हैं। अब मैं इसको गाड़ी में फिटिंग करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली फिट हो चुकी है अपना नया वाला होज पाइप, प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। और इसमें मैं नाइट्रोजन प्रेशर भी मार के रखा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं 300 का बराबर प्रेशर मार के रखा हूँ। और जूनी वाली पाइप इधर है, नाइट्रोजन का बाटला ये रही। तो चलो थोड़ी देर प्रेशर रखता हूँ और होल्ड रहता है क्या नहीं, कहीं से दूसरा लीक तो नहीं हुआ है। तो चलो फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं सब फिट कर दिया हूँ और इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर भी होल्ड है, 300 मारा था जितना उतना नहीं है। तो एक नाइट्रोजन का प्रेशर छोड़ देता हूँ, नाइट्रोजन का प्रेशर छोड़ के वैक्यूम लगा के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। चलो फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए वैक्यूम में लगा देता हूँ। तो 10 मिनट बाद फिर चलो अपन मिलते हैं, वैक्यूम में लगा चुका हूँ। तो 10 मिनट बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो मेरा वैक्यूम कंप्लीट हो गया, तो इसमें अब मैं गैस चार्ज कर देता हूँ, 450 ग्राम गैस डाल देता हूँ इसमें, 450 ग्राम की गैस डालता हूँ। ये गाड़ी में आई थी, तो जैसा कि देख पा रहे गैस हो चुका। चलो फिर मैं अंदर जाता हूँ, क्लीन टेम्परेचर दिखाता। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। वैसे तो गाड़ी बाहर से चालू था, आपको पहले भी पता होगा, लेकिन अभी गाड़ी चालू है जैसा कि देख पा रहे हैं। और एसी मैं चालू रखा हूँ, एसी ऑन है, ब्लोअर की स्पीड 3 पे है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, थर्मामीटर ऑफ हो चुका है, 5.9 देख पा रहे हैं, 5.9 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर, 6 पे हो गया, अभी ट्रिप मार चुका हूँ, फिर से 5.8 5.9। तो इतना लगभग कूलिंग बराबर हो रहा है इसका। और मैं आपको ये गाड़ी में जो दिखाया पाइप रिप्लेस करके कि पाइप लीक हो गया था, तो ये पाइप बन भी जाता है, ऐसा नहीं कि ये रिपेयर भी हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं ये वाला रबर यहाँ से घिस घिस के लीक हो चुका था। तो आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं, सस्ते में हो जाएगा। नया पाइप लेंगे तो पूरा अखंडी आएगा, 2200 के बीच तक आ जाएगा, 2022 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि पाइप लंबी है इस वजह से। तो हेलो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब चीज़ें आपको समझ में आएगा ना, तो आपके साथ कोई छल वगैरह नहीं कर सकता है। तो चलो फिर, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।